खेती किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचती हैं उन तमाम योजनाओं के बारे में जो कि विशेष रूप से आप किसानों के लिए हैं। इसके साथ ही साथ हम उन ऐप्स, पोर्टल और वेबसाइट के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनसे जुड़कर हमारे किसान नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं और साथ ही इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। आज सरकार आपके साथ में हम बात करने वाले हैं जल संरक्षण, संचयन और इससे जुड़ी तकनीकों के बारे में। कैसे हमारे किसान और साथ ही साथ आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है। ये एक रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन है, यानी गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों सबके लिए पानी चाहिए। आधुनिक जीवन शैली की वजह से जमीन के नीचे मौजूद पानी पर अत्यधिक दबाव आ गया है, जिसके कारण भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे हो रहा है। नदियों, जलाशयों और दूसरे जल स्रोतों को इंसान खुद ही गंदा कर रहा है। हालांकि समंदरों में अथाह पानी है और उनका जल स्तर भी बढ़ रहा है, लेकिन ये पानी खारा है और इस्तेमाल योग्य नहीं। धरती पर मीठा पानी कुल जमा 2.7% है और इसका भी 70% बर्फ बनकर दुर्गम इलाकों में है। पानी ना कभी खत्म होता है और ना ही इसकी मात्रा में कमी आती है। ये एक चक्र में अरबों साल से गतिमान है। कभी डायनासोर जिस पानी को पीते होंगे, हो सकता है आज वही पानी हम इस्तेमाल कर रहे हों। या यूं कह लीजिए कि जो पानी कभी अमेज़न के जंगलों में बहता था, मुमकिन है कि आज वो हमारे काम आ रहा हो। लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया जल संकट से जूझ रही है। साफ पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे हालात में पानी बचाना और उसका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने जल प्रबंधन की बहुत सी नई तकनीकियां विकसित कर ली हैं। खास तौर से खेती बाड़ी में सूक्ष्म सिंचाई की विधियां मील का पत्थर साबित हो रही हैं। सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रमुख हैं। इनके अलावा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और हाइड्रोजेल भी बहुत कारगर हैं। धान में बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है, विशेष रूप से रोपाई के 2 हफ्तों तक खेत में पानी खड़ा रखना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास सीधी बिजाई की तकनीक आ गई है। भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की सीधी बिजाई वाली 2 नई किस्मों को हाल ही में लॉन्च किया है। बारिश हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर हम इसमें से थोड़ा सा पानी को भी रोक कर रखने में कामयाब हो गए तो जल संकट को दूर करने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। इसके लिए खेतों पर तालाब बनाने होंगे जिनमें बारिश का पानी जमा होगा और बरसात गुजर जाने के बाद उसी से सिंचाई की जा सकती है। चेक डैम और चौका सिस्टम भी वर्षा जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। किसान कुछ और ना करें, अगर बरसात से पहले खेतों की मेड़ ऊंची कर लें, तो भूमिगत जल को रिचार्ज करने में मदद मिल सकती है। आजकल शहरों में जमीन के नीचे टैंक बनाए जा रहे हैं और छतों से बहने वाले बारिश के पानी को पाइपों के जरिए उनमें डाला जा रहा है। इससे भी भूजल को रिचार्ज करने में मदद मिल रही है। पानी अनमोल है, इसे सोच समझ कर खर्च करें। तो ये थी जल संचयन, संरक्षण और इससे जुड़ी तकनीक पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके सवालों की और विशेषज्ञ की जवाब की। कहीं मत जाइएगा, लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहे सरकार आपके साथ के साथ। क्या
खत्म होगा 17 साल का इंतजार। क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से TD फ्री डिश पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण और इससे जुड़ी तकनीकों पर। आइए बात करते हैं विशेषज्ञ से। जल संरक्षण तकनीक पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे सवालों के जवाब के लिए मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AK मिश्र जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। और किस तरीके से जल का उचित तरीके से संरक्षण किया जा सकता है, हर स्तर पर कैसे हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जल को बचाना है और अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे देश में फिलहाल जल की स्थिति क्या है। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी समय में किसी भी देश को या पूरे अगर मैं विश्व को कहूँ कि एक निश्चित मात्रा का जल उपलब्ध है, परंतु इसका वितरण असमान हो जाता है। और देखा ये जा रहा है कि हमारे देश में लगातार जल की कमी आती जा रही है और इसमें प्रति व्यक्ति कमी होते होते हम लोग एक स्ट्रेस वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का योगदान है। और साथ में आजकल जो क्लाइमेट चेंज का जो असर देखा जा रहा है, वातावरण परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का, इसके अंतर्गत जल की मात्रा में भी कमी आई है और वितरण भी असमान हो गया है। और जिसके कारण बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल की बहुत कमी देखी जा रही है, डार्क जोन बनते जा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि खासतौर से पेयजल का अगर हम पहले संज्ञान लें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की बहुत भारी कमी देखी जा रही है और ये कमी जो है गर्मी के मौसम में और बहुत ही ज़्यादा परिलक्षित होती है। बिल्कुल सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जल की कमी होती जा रही है और हम ये भी जानते हैं कि जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, वो अपने रूप बदलता रहता है और इसे रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। फिर भी प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है उसमें हम लगातार गिरावट देख रहे हैं और अभी जो संकेत मिल रहे हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए वो काफ़ी चिंता करने वाले, काफ़ी चिंताजनक संकेत और फिलहाल जो आंकड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वो कम होती जा रही है, जब हम जानते हैं कि जल कभी ख़त्म नहीं होता है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और ऐसा देखा गया है कि लगभग हर वर्ष हमारे देश में एक नया ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है वो जुड़ जाती है। तो जितनी समग्र मात्रा में जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसमें प्रति व्यक्ति कमी इस प्रकार से आती जाती है कि हम नंबर अपने बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम समग्र जल में जितनी हमारी जनसंख्या है उसका हम भाग देते हैं तो हम पाते हैं कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाती है। लेकिन हम इस उपलब्धता को एक आभासी उपलब्धता मान के चलते हैं क्योंकि ना तो हर व्यक्ति को समान मात्रा में जल उपलब्ध है, यानी कि जैसा मैंने कहा कि स्थान और समय के आधार पर वितरण अलग अलग है, उसी प्रकार जल की उपलब्धता व्यक्तिवार भी अलग अलग है। जी, जी। और अगर मैं ये कहूँ कि आर्थिक स्थिति का भी बड़ा योगदान है और विभिन्न क्षेत्रों में जल का जो वितरण है उसमें भी देखें कि कृषि में समग्र जल का लगभग 85% भाग प्रयोग किया जाता है और उद्योगों में लगभग 8%, बाकी हमारे रोज के क्रियाकलापों के लिए, मनुष्यों के व्यवहार के लिए उपयोगी है जो कि उपयोग में आता है। जी। अब हमारे देश में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन भी प्रदान करना है और बहुत सारे अन्य जो जैसे चीज़ें हैं, जैसे दूध है और मीट है, मक्खन है या अंडे हैं या जो भी खाद्य वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता बढ़ानी है जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें अब उत्पादन बढ़ाना एक बहुत आवश्यक हो जाता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए जल एक बहुत पूर्ण भौतिक अवयव है, यानी कि बिना उसके हम किसी प्रकार के उत्पादन की कृषि क्षेत्रों से या किसी अन्य क्षेत्रों से हम कल्पना नहीं कर सकते। जी जी। तो इस हिसाब से जल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अब जो कमी की बात हो रही है वो कमी तो सार्वभौमिक है ऐसा देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सर कमी होती जा रही है और कृषि का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। कई ऐसी फसलें भी हैं जिनमें से धान एक है, जो आंकड़े बताते हैं वो 1 किलो चावल के पीछे 4,000 लीटर तक पानी खर्च होता है उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम है, और जहाँ पर वर्षा है ठीक ठाक वहाँ भी 2,000 लीटर पानी खर्च होता है। तो इस पर भी शायद हमें कार्य करने की आवश्यकता है कि कैसे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें। आगे से मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक ये भी बड़ी चुनौती सामने उभर कर आ रही है कि कृषि बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हम कह रहे हैं कि पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हमें अपने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और आने वाले समय में जैसे हम कह रहे हैं कि पानी की कमी से उपज घट सकती है, उपलब्धता घट सकती है, तो इसके बीच में सामंजस्य किस प्रकार बैठाया जाए कि पानी भी उपलब्ध रहे, भोजन भी बढ़ती आबादी के अनुसार अनुपात में हम पैदा करते रहें। देखिए, ऐसा है कि जब हम अभी आपने बताया ना कि एक फसल का नाम लिया आपने धान की फसल का, और असिंचित क्षेत्रों में जहां हम पानी लगा के धान को पैदा करते हैं लगभग 4,000 लीटर हमको चाहिए 1 किलो पानी, 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए। परंतु अगर हम देखें कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन के आधार पर खेती होनी चाहिए जैसे कि पहले होती थी, यानी कि धान एक ऐसी फसल है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती थी और उगाई भी जानी चाहिए। परंतु चूंकि हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और चूंकि हमें कुछ क्षेत्रों में नहरों के द्वारा जल उपलब्ध हो गया है, अथवा मैं ये कहूँ कि ग्राउंड वाटर यानी कि भू जल उपलब्ध हो गया है, ट्यूबवेल से हम जल पंप कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो कि धान के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, यानी कि सर्वथा उपयुक्त ना होते हुए भी उन क्षेत्रों से हम धान का उत्पादन ले रहे हैं, चूंकि हमें खाद्य सुरक्षा लानी है, इसलिए हमें 4,000 लीटर वाली बात जो समझ में आ रही है प्रति किलो के लिए, उस पर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दक्षतापूर्ण जल प्रबंधन कर सके तो इसमें बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है, और ना ही केवल धान बल्कि गन्ना या और इसी तरीके से अधिक जल मांग वाली फसलें जो हैं उनमें हम सिंचाई का उन्नत प्रबंधन कर सकें तो बहुत सारा जल हम बचा सकते हैं। जी जी। और जो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आरंभ हुई है उसमें उसके मतलब महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक ये भी है कि प्रति बूंद अधिक फसल लेना, और मैं समझता हूँ कि हम जल का प्रयोग तब कर सकेंगे जब हम जल को संरक्षित और संरक्षण कर पाएँ किसी भी प्रकार से। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में करीब 90 से लेकर 100 दिनों तक की वर्षा का काल वर्षा काल होता है वर्षा ऋतु में, और उस समय अब जैसे पिछले सालों के उदाहरण देखेंगे तो आप बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आ जाती है, वितरण सही नहीं, वितरण असमान है, और साल भर साल दर साल ये वितरण बदलता भी रहता है। जैसे किसी भी क्षेत्र की या किसी भी स्थान की अगर आप वर्षा का एक रिकॉर्ड देखें तो कभी सेम नहीं है, एकदम बराबर से नहीं होता है, घटता बढ़ता ही रहता है। लेकिन आवश्यकता ये है कि जहाँ पर भी जब भी जल उपलब्ध हो यथा स्थान यानी कि इन सीटू पे उसको संरक्षित किया जाए, संग्रहित किया जाए, ताकि हम भविष्य में उसका प्रयोग कर सकें। जी जी जी। न केवल संग्रहित ही किया जाए बल्कि विभिन्न प्रकार के जो नुकसान है जिससे जल की हानि होती है, जैसे कि हम अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि तालाबों में जल संरक्षित है तो वो दो तरीके से हानि उसकी हो सकती है। एक तो वाष्पीकरण से जो जल का सतह है उससे वाष्पीकरण से जल का नुकसान होता है, हानि होती है, और दूसरा सीपेज से जो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब दूसरी जो हानि है उसको मैं अच्छी हानि मान के चलता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से हमारा जो भूजल है वो संवर्धित होता है, यानी कि वो भूजल प्रतिपूर्त रिचार्ज होता है, हम उसे भूजल प्रतिपूर्त या भूजल पुनर्भरण कहते हैं, तो उसके द्वारा हमें एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो वाष्पीकरण है यद्यपि वो भी एक धनात्मक रिजल्ट की ओर ले जाता है, एक सर्कल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लेकिन हमें उन दोनों ही जो हानियां हैं उनको अगर हम बचा सके तो हमारे पास प्रयोग करने योग्य जो जल की मात्रा है वो अधिक होगी। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा प्रयोग करने के लिए हमारे पास अधिक मात्रा में जल होगा, उसे अगर हम अलग अलग माध्यमों से उसको संरक्षित करते हैं। संरक्षण पर मैं आऊँगी आपके पास कि कैसे जल को हम संरक्षित करें, क्या क्या इसके लिए उपाय हैं, कौन सी नई तकनीक भी हैं जिनका इस्तेमाल आज के समय में हम कर सकते हैं। लेकिन सर गुणवत्ता भी एक बड़ा विषय है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है लेकिन उसकी गुणवत्ता भी गिरती जा रही है, जो कि हम खेती में नहीं इस्तेमाल कर सकते, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस गुणवत्ता को सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है।
जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण जल जो है वो मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए और यहाँ तक कि फसलों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और यदि गुणवत्ता ह्रास है, किसी प्रकार से गुणवत्ता में कोई कमी आई हुई है, तो न केवल फसलें बल्कि पशु और पक्षी और यहाँ तक कि हम मानवों का भी जो जीवन है वो भी विपरीत प्रकार से प्रभावित होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो जल जन्य जो बीमारियाँ हैं उससे बहुत सारे लोग किसी भी समय में किसी देश में प्रभावित होते हैं। तो शुद्ध और स्वच्छ जल की ही उपलब्धता सुनिश्चित होनी आवश्यक है। और जो हमारे देश में जनसंख्या में जो इस समय विस्फोट हुआ है, और अब जितना भी जल किसी को भी उपलब्ध हो पाता है वो समग्र जल का मुझे लगता है कि लगभग 50% या कहीं उससे भी ज़्यादा जल की गुणवत्ता में कोई कमी आ जाती है जैसे ही हम उसका प्रयोग करते हैं। अब आजकल के लिए आप देख सकते हैं कि साबुन का और डिटर्जेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। कपड़े धोने के लिए जो मशीनें आई हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पानी लेती हैं, और साथ में उसमें अगर हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो जो उनसे निकलने वाला गंदा पानी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी इतनी आवश्यकता नहीं है, जब हम हाथ से कपड़े धोएं तो शायद इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो सारा का सारा जल जो है बिना शोधन किए हुए वो नदी नालों के रास्ते हमें नदियों में मिल जाता है और जाकर के नदी के जल को भी प्रदूषित कर सकता है। बिल्कुल सर, तो ये तो बात हुई कि गुणवत्ता कैसे हम सुनिश्चित करें जल की, अब हम जानते हैं कि कैसे इसे संरक्षित करें। जो भी पानी, चाहे वो बारिश का पानी है या फिर ऐसा पानी है जो कि हम नीचे से लेते हैं यानी अंडरग्राउंड वाटर है, वो बर्बाद ना हो, उसका हम सही तरीके से संरक्षण कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए किस किस तरह की विधियों का, या फिर नदियों से जो हमारा पानी आता है, तालाबों का पानी है, इसे कैसे हम संरक्षित करें, इस विषय पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम वर्षा जल की बात करते हैं तो वर्षा जल संग्रहण सबको पता है आज के ज़माने में, परंतु हम एक ऐसी प्रविधि के बारे में आप लोगों को संसूचित करना चाहते हैं जो हर व्यक्ति के द्वारा किए जाने योग्य है। जैसे कि हमारा अपना घर जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे छत पर बरसने वाला जल, जो अमूमन जिस प्रकार से घरों की डिजाइन है उसके अनुसार वो जल जब बरसता है तो छत पर से निकल के स्पाउट के रास्ते नालियों में गिर जाता है या सड़कों पर बहता है। तो हम प्रयास करें यदि हम अपने घरों में एक जल संग्रहण कुंड बना सकें, या आजकल के प्लास्टिक के जो बड़े जो टैंक उपलब्ध हैं 10,000 लीटर के या 20,000 लीटर के, उनको हम अगर रख सकें, हमारे पास अगर कोई स्थान हो तो उसको हम भूमि में गहरा गड्ढा खोद करके वहाँ रख सकते हैं और अपनी छत से आने वाले सभी जल को पाइपों के रास्ते, आजकल प्लास्टिक की पाइपों को लेकर के कोई भी पाइपलाइन बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि उन पे एक जोड़ने वाला एक सोल्यूशन आता है और तमाम तरीके के बेंड और टी वगैरह भी मिल जाते हैं। तो उनको ले करके एक साधारण सी एक मैं तजवीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो 10,000-20,000 लीटर पानी अपने घर में आसानी से इकट्ठा कर संरक्षित कर सकता है जी। पहले तो ये है कि वर्षा जल संग्रहण और हर व्यक्ति क्या कर सकता है। यदि ये व्यवस्था नहीं हो सकती है तो ऊपर से बारिश के गिरने वाले जल को एक छोटे से गड्ढे में वो चैनलाइज कर सकता है जहाँ पे वो पानी रुका रहेगा और धीरे धीरे मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जो समय आने पर नीचे ग्राउंड वाटर में जाके जुड़ जाएगा, तो ग्राउंड वाटर को भी ऊपर। लेकिन खास तौर से ध्यान देने वाली बात है इसमें किसी प्रकार का, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के रासायनिक विलायक नहीं होने चाहिए, मिश्रण नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, तभी हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में बात करेंगे। एक तो बात यह हो गई। कम्युनिटी लेवल पर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो कम्युनिटी लेवल में अगर आपके पास जल उपलब्ध है तो उसको, जैसे हमारे शहरों में पार्क होते हैं, कुछ ऐसे पार्क होते हैं, वहाँ पर हम ले जा करके उनको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने के लिए बना सकते हैं, या फिर कोई अंडरग्राउंड संरचना हम बना सकते हैं। हो सकता है कि हमें पार्क ऊपर से नजर आता हो, लेकिन चूंकि पानी की आवश्यकता इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रबल है कि इसको हम बहुत दिनों तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो जहाँ पर भी हमें खाली स्थान दिखेगा या नजर आएगा वहाँ तक हमको इसको चैनलाइज करके ले जाना है। और अगर हम चाहें तो हम उसको किसी ऐसी संरचना में रख सकते हैं जहाँ हमें भविष्य के लिए उपलब्ध होगा
और नहीं रख सकते तो हम उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है सर। अब जैसे हमारे यहाँ कुछ कॉलोनियाँ हैं तो अगर हम गौर से देखेंगे तो उनमें हमें ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहाँ पर इस प्रकार के जल को ये संरक्षित किया जा सकता है शहरी क्षेत्रों में। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसानों की बात हम करें तो वर्षा जल संरक्षण बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो इन सीटू जल संरक्षण कर सकते हैं, खेत का पानी, बिल्कुल खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, गांव का पानी गांव में, हाँ गांव का पानी गांव में रख सकते हैं और यही होना भी चाहिए हम समझते हैं। लेकिन अगर सभी किसान मिल करके प्रयास करते हैं तो समेकित प्रयास से वो एक किसी बड़ी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। और अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही ऐसे जल संरचनाएं उपलब्ध हैं। बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जिन्हें हमने अभी भुला दिया है, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम उनको पुनर्जीवित करें और इस दिशा में भारत सरोवर योजना का, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया कि इसमें भारत सरकार की पिछले वर्ष एक योजना चलाई गई है जिसमें कि प्रत्येक जिले में करीब 1 एकड़ धारिता वाले 75 तालाबों को या तो नए तालाब बनाने का अथवा पुराने को पुनर्जीवित करने का, उनका नवीनीकरण करने के लिए, उनका सौंदर्य करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। और ये व्यवस्था सभी जिलों में समान रूप से लागू की जा रही है और मेरे ख्याल है कि बहुत ही कम समय में इसके उद्देश्यों में हम सफल हो जाएंगे। जी जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पहली चीज है कि पलवार एक मल्चिंग कर सकते हैं खेत में, जो पुरानी फसल है उसके अवशेषों को हम खेत में रखें तो वो वाष्पीकरण की हानि को रोकेंगी और साथ में और जो पानी वहाँ खेत में उपलब्ध हो रहा है उसको नीचे अवशोषित किए जाने के लिए जो निर्धारित समय है उसको बढ़ाएंगे। जी जी। तो जल नीचे मृदा की परतों में अवशोषित हो जाएगा। और तमाम जो तकनीकियां हैं जैसे कि हम छोटे छोटे गड्ढे खोद सकते हैं, अर्धचंद्राकार जो थोड़ा बहुत स्लोप हुआ तो अर्धचंद्राकार वेदिकाएं बना सकते हैं, वो उनसे हम जल को बहने नहीं देना, जल की जो जो बहाव है उसको हमें रोकना है। अगर मान लीजिए कि 4-5% स्लोप है तो हम जो कंटूर लाइन्स हैं उस पे कंटूर बंड बना सकते हैं। कंटूर बंड एक ऐसी तकनीक है और कंटूर ट्रेंचेज भी बनाई जाती हैं कि जब खंदके बन जाते हैं, हाँ खंदके बनाई जाती हैं। अगर वैसे देखें साधारण सा एक समतल खेत की हम बात करें तो उसमें भी एक शुरुआत में वर्षा काल के पहले अगर हम जुताई ही कर देते हैं तो जुताई करने से क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी जो है पल्वराइज हो जाती है, यानी भुरभुरी हो जाती है और वो जल को अवशोषित करने के लिए सक्षम हो जाती है। तो सर मानसून का भी आपने जिक्र किया, वर्षा का, तो मानसून भी दस्तक दे ही चुका है और धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रहा है। इस बार अच्छी बारिश भी होगी, अच्छा मानसून होगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसा प्रिडिक्शन किया है। तो ऐसे में अभी हमारे किसानों को, आमजनों को क्या करना चाहिए कि इस बार अपने स्तर पर कुछ ऐसे प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि हम हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया और हर साल हम कस्में जरूर खाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो मानसून के लिए क्या हमारे नागरिकों और किसानों को सलाह है? देखिए मानसून आने वाला है, हमें पता है कि वर्षा होगी और यदि हम जल को संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि छतों से वर्षा जल संग्रहित करके हम या तो भविष्य के लिए प्रयोग करने के लिए रख सकते हैं अथवा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ये तो एक व्यक्ति का प्रयास है। अगर खेतों की बात करें तो हमने अभी जैसे बताया कि किसानों को अपने मेड़ों को पहले जांच लेना चाहिए कि उनकी मेड़े कमजोर, एक क्षेत्रफल होगा तो उनको चाहिए कि अपने किसी एक खेत को सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो कर ले। अगर नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई कुआं होगा या ट्यूबवेल को ही लगी होगी तो अपने समस्त क्षेत्रफल के उस जल को जो आपको मिलेगा अगर आप तुरंत प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसको रिचार्ज करने के लिए ट्यूबवेल तक लाएं या अगर ओपन वेल है तो वहां तक लाएं और पहले जो मिट्टी जो वहां से बह के आ रही है उसको निचालित करने के लिए एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाते हैं हम लोग, मैं उसकी डिजाइन तकते हैं, तो ये हमारे किसान भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, आप चाहते हैं किसी विषय पर सरकार आपके साथ हम लेकर आए, तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, हमें इसकी जानकारी अवश्य दें। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। आप फेसबुक पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में आप सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से, या फिर वॉल पर भी लिखकर अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, सरकार आपके साथ का कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060। इस पर आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें। सोमवार से शनिवार ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है। इस पर कॉल कर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और किसी और जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी इस पर आप हमें अवश्य बताएं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सरकार आपके साथ में एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।